इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं बैद्यनाथ कब्ज हरदे, कब्ज में आराम और समाधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को FICCI के 96वें SGM को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने देश के आर्थिक विकास पर बात की और कहा कि आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि भारत की आर्थिक तरक्की का असर अन्य देशों की आर्थिक तरक्की पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि भारत को आज के समय का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और साल 2027 तक कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने देश भर में 44 जगहों पर छापेमारी की। इसमें कर्नाटक के 1, पुणे के 2, ठाणे के ग्रामीण संभाग के 31, ठाणे शहर के 9 और भायंदर के 1 ठिकाने शामिल हैं। इस दौरान NIA ने महाराष्ट्र के पुणे से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी को लेकर NIA ने बताया कि भारत में आतंकवाद और हिंसा फैलाने की आतंकवादी संगठन की योजना को विफल करने के लिए यह व्यापक जांच की जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एजेंसी ने एक आरोपी और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर इस्लामिक संगठन के कट्टर विचारधारा फैला और भारत में आतंकी संगठन बनाने का आरोप था। इस संगठन ने भारत में इस्लामिक शासन के मकसद के साथ कई युवाओं की भर्ती की। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो गया है। मंदिर का गर्भगृह भी बनकर लगभग तैयार हो गया। शनिवार को मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि प्रभु श्री राम लला का गर्भगृह स्थान बनकर लगभग तैयार है। हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। आपके साथ कुछ छाया चित्र साझा कर रहा हूँ। गर्भगृह में ही रामलला विराजमान। क्या रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी। आहूजा सन्स की पश्मीना शॉलें, प्योर पश्मीना नेचुरली। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई में भारतीय छात्रों और युवा उद्यमियों और नौकरी पेशा लोगों से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने विदेश में रहने वाले भारतीयों से अपील की कि वह दुनिया के सामने देश की तरक्की वाली तस्वीर पेश करें और दुनिया को बताएं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या बदलाव हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत की तरक्की के बारे में आपको जानना बेहद अहम है, खास तौर पर उन लोगों को जो विदेश में रहकर पढ़ रहे हैं। आपका प्रभाव आपके परिवार या किसी छोटे समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अन्य लोगों से मिलते हैं और भारत के बारे में उनके विचार को आकार देते हैं। ये बेहद जरूरी है कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है, इसकी जानकारी दुनिया को भी दिया जाए। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी आज भी जारी रही। आयकर विभाग को 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी अब तक मिली। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मूर्ति है। बता दें कि बुधवार को झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालय पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और अब तक 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दांतों और मसौढ़ों की समस्याओं का पूर्ण समाधान। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से असम को म्यांमार का हिस्सा बताए जाने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भड़क गए। CM हेमंत ने कहा कि जो लोग असम के इतिहास के बारे में नहीं जानते उन्हें इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। CM हेमंत ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है उन्हें नहीं बोलना चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था, थोड़े समय के लिए झड़पें हुई थी, यही एकमात्र संबंध है। अन्यथा मैंने कोई डाटा नहीं देखा है जिसमें कहा गया कि असम म्यांमार का हिस्सा था। बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने के पीछे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से जारी किए गए एक पत्र में कहा कि दानिश अली को अनेकों बार मौखिक रूप से कहा गया कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं और अनुशासन के विरुद्ध जाकर कोई भी बयानबाजी या कृत्य आदि ना करें, परंतु इसके बाद भी दानिश लगातार पार्टी के विरुद्ध जाकर कार्य करते रहे, जिसके वजह से दानिश अली की सदस्यता को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है।
उड़ीसा और बिहार ट्रेन हादसे के बाद भारतीय रेलवे हर संभव सुरक्षा मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी ATP कवच को अब तक 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग और दक्षिण मध्य रेलवे खंडों पर 139 लोकोमोटिव पर स्थापित किया गया है। कवच चलती ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और उसमें न सिर्फ ट्रेन के चालक को खतरे में सिग्नल पास करने और तेज गति से गाड़ी चलाने से बचाव में मदद करता है, बल्कि इससे खराब मौसम के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद मिलती है।